जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स राउंड अप सीरीज के बारे में। वी आर कवरिंग ज्योग्राफी हियर। सो गाइज, ज्योग्राफी करते करते जो है काफ़ी एरियाज हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, MCQs भी हम लोग कवर कर रहे हैं। आई होप आप उन MCQs को भी देख रहे होंगे और अपना जो है ब्रॉड रिविजन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स। बहुत सारे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे कौन से एरिया से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं और कौन से एरियाज को हमको रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एड्यू। अगेन एक और चीज़ है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक जो है नहीं ली है और आप अपने MCQs को देखना चाहते हो कि मेरा MCQ एक्यूमेंट कैसा है, एक्यूरेसी रेट कैसा है, और प्रीलिम से पहले HCS के प्रीलिम से पहले आप जो है अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लीजिए। बहुत सारा जो है इसके अंदर सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, इंक्लूडिंग आपका फुल लेंथ टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, सो हम लोग जो टॉपिक्स बात करने वाले हैं दैट विल बी ब्रॉडली कवरिंग लैंडफॉर्म्स। सो लैंडफॉर्म्स के अंदर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप की रॉक्स के बारे में, विल टॉक अबाउट द मेजर फोर्सेज जो रॉक्स के ऊपर लग रही हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे डेन्यूडेशन के बारे में, एंड देन उसके बाद जो हम लोग अगर हो सका तो लैंडफॉर्म्स के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद दी रॉक्स। सो गाइज, जब भी हम लोग अपने लिथोस्फीयर में या फिर इन एंड राउंड आवर सर्फेस जो भी हम लोग तरह की रॉक्स देखते हैं, तो उन्हें हम तीन ब्रॉड प्रकार में या तीन एरियाज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इग्नियस रॉक, सेकेंड होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है जी, सो ये तीन टाइप की रॉक्स होती हैं, बेस्ड ऑन टिपिकली बेस्ड ऑन कि किस तरह से फॉर्म हुई हैं और क्या इनकी रॉक्स का कैरेक्टर है, उन बेसिस पे हम लोग यह तीन टाइप से इनको डिवाइड करते हैं। और बेसिकली पूरे अर्थ पे आपको यही तीन टाइप की रॉक्स देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है जी, सबसे पहली जो रॉक होती हैं दे आर कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक जो होती हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेरेंट रॉक्स, बिकॉज ये जो है वो रॉक्स हैं जो धरती के अंदर से निकलती हैं, एस्थेनोस्फीयर से निकलती हैं और मैग्मा के फॉर्म में निकलती हैं, देन कूल डाउन होकर ये जो है रॉक्स बनती हैं। ठीक है जी, सो इग्नियस रॉक्स बेसिकली इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द कूलिंग ऑफ द मैग्मा। ठीक है जी, सो प्राइमरली जब अर्थ जो है बनी थी, लिथोस्फीयर बना था, सबसे पहली रॉक्स जो बनी थी वो इग्नियस रॉक्स बनी थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। और इन्हीं रॉक्स से जो है, इन्हीं रॉक्स के ऊपर जो बहुत सारी फोर्सेस काम करती हैं, तब जो है आपकी सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, इसीलिए इनको जो है प्राइमरी रॉक्स एंड पेरेंट रॉक्स बोला जाता है। ठीक है जी, चलिए, सो इग्नियस रॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इग्नियस रॉक्स जो है वो फर्दर जो है दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव जो कि सतह के ऊपर कूल डाउन होने से बनती है, और इंट्रूसिव जो कि जमीन के नीचे कंपैरेटिवली जो है डेप्थ में कूल डाउन होने के कारण बनती है। एक्सट्रूसिव रॉक का बेस्ट एग्जांपल इज बसॉल्ट। ठीक है जी, क्योंकि कूलिंग जल्दी होती है तो बहुत ही स्मूथ होता है टेक्सचर इसका बड़ा स्मूथ होता है, ग्लासी सी अपीयरेंस होती है और ज्यादा डेंस होती है रॉक्स। एंड इंट्रूसिव रॉक जो है दे आर हाइपरबेसल एंड प्लूटोनिक रॉक्स, जो कि जमीन के जनरली डेप्थ में बनती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको क्या देखने मिलता है, दैट इज ग्रेनाइट। जमीन के अंदर बनने से क्या हुआ, कंपैरेटिवली स्लोली जो है ठंडी होती है, जिसके कारण जो क्रिस्टल्स बनते हैं दे आर कंपैरेटिवली लार्ज, और ये जो है रफ होती हैं, मतलब टेक्सचर, एंड दे आर ऑल्सो कंपैरेटिवली लेस डेंस। ठीक है जी, सो ग्रेनाइट इसका एग्जांपल है, डोलोराइट इसका एग्जांपल है, दे आर एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है जी, देन इग्नियस रॉक्स में हम लोग रॉक बॉडीज भी पढ़ते हैं, तो रॉक बॉडीज बेसिकली क्या होते हैं, जब ये मैग्मा जो है ऊपर की तरफ को सर्फेस की तरफ को आ रहा होता है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई ये मैग्मा जो है ये क्या करेगा, बहुत अलग अलग जगह स्टोर होगा और वहाँ पर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनाता है। तो ये किस तरह की रॉक बॉडीज होती हैं, जैसे कि नीचे बहुत बड़ा जो मैग्मेटिक चेंबर है जो धीरे धीरे कूल हो रहा होता है, और इसके कारण एक बहुत मैसिव रॉक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग पैथोलिथ बोलते हैं। एंड इसके ऊपर आप इस तरह से वर्टिकल जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देख रहे हो, इस तरह से दिस इज कॉल्ड एज डाइक, एंड देन इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन देखते हो आप, दिस इज कॉल्ड एज सिल्स, एंड इस तरह के जो है इस तरह के काइंड ऑफ ओवल शेप जो आप देखते हो, दिस इज कॉल्ड एज लैकोलिथ्स। ठीक है जी, सो ये कुछ इग्नियस रॉक बॉडीज है जो हमको देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये इग्नियस रॉक्स होती हैं। जनरली इग्नियस रॉक्स के अंदर जो है आपको क्या देखने को मिलता है, यू विल ऑलवेज फाइंड मेटालिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको फॉसिल्स नहीं देखने को मिलते हैं। आपको ये चीज़ें जो है याद रखनी, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं। ठीक है जी, सो इग्नियस के रॉक्स के बाद आते हैं सेकेंड तरह के रॉक्स, दीज आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, जैसे कि आप नाम से बता पा रहे हो, दे आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है जी, ये बाकी रॉक्स के वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण, डेन्यूडेशन के प्रोसेस लगने के कारण जो है बनती है, और इसमें जो है
एजेंट्स ऑफ इरोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मूविंग आइस होगी, विंड्स हो गई एंड मूविंग वाटर हो गया, ठीक है जी। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है फर्दर तीन प्रकार की होती है, दे आर मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स एंड केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली रॉक्स विच आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एक्शन ऑफ द एजेंट्स ऑफ इरोजन, ठीक है, जैसे हवा है, पानी है या चलते मूविंग आइस है, ग्लेशियर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है इस तरह का फॉर्मेशन करते हैं रॉक्स का, ठीक है। जैसे कि नदी चलती है तो क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ के बिखेर के वो क्या बना देती है, सेडिमेंट बना देती है। एलुवियल जो सेडिमेंट्स है वो देखने मिलते हैं, सैंड सिल्ट क्ले देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे जो है दे आर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर इंस्टेंस सैंड इसका एक एग्जाम्पल है, विंड के कारण बनती है, लोएस इसका एग्जाम्पल है, अगेन विंड ओरोडेड रीजन्स में देखने को मिलेगी, जैसे डेजर्ट्स में आपको देखने को मिलती है। सिमिलरली क्ले है, अगर बहुत ज़्यादा जहाँ पे बारिशें पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा जो है रिवर रन ऑफ होता है तो क्ले टाइप या क्ले आपको काफ़ी इकट्ठी होती दिखेगी। देन सैंड स्टोन है, शेल है, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है जी। देन देर आर ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि जनरली ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग या प्री हिस्टोरिक जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके डिके के कारण, उसके जो है डेथ या डिके के कारण जो है आपको जो भी रॉक्स बनती दिखती है उन्हें हम ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसका दिस इज कोल एंड लाइमस्टोन, ठीक है जी। पुराने टाइम में बड़े सारे जो है पेड़ जंगल जब जमीन के नीचे धस जाते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर जमीन के नीचे चला जाता है तो वो जो है अंडर प्रेशर एंड हीट जो है वो क्या बन जाता है, कोल बन जाता है। सिमिलरली लाइमस्टोन डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है दैट एंड्स अप एज लाइमस्टोन, ठीक है जी। एंड देन फाइनली केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स में जनरली जो है क्या होता है, वाटर का एक्शन देखने में मिलता है, वाटर के सब्सटेंसेस, वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिसके कारण आपको केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स देखने में मिलती है, जैसे कि जिप्सम है, जैसे कि रॉक सॉल्ट है, सॉल्ट पेटर है, ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है जी। सो ये आपकी इग्नियस रॉक होगी एंड देन सेडिमेंट्री रॉक होगी, ठीक है। एक फन फैक्ट इज कि अगर आप सतह पे देखोगे, सरफेस के ऊपर देखोगे तो 75% ऑफ द रॉक्स सरफेस के ऊपर जो है दे आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि बताता है कि ऊपर से जो इरोजन और डेनुडेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि जब हम पूरे क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट में 95% रॉक्स जो है वो क्या है, वो इग्नियस रॉक्स हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ये प्रोसेस जो है सतह के ऊपर चल रहा है, सतह के नीचे जो है अभी भी हम लोग ये प्रोसेस नहीं देख पाते, जिसके कारण यहाँ पे मोस्टली जो रॉक्स है वो पुरानी टाइप की बनी रॉक्स, दैट इज इग्नियस रॉक्स है। ओके, सो दिस इज बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स। सो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको क्या मिलेंगे, मोस्टली आपको यहाँ पे फॉसिल्स देखने को मिलते हैं एंड ऑर्गेनिक आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम वो यहाँ से निकलता है, फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। सो ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है जी। थर्ड टाइप की रॉक जो होती है दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब है, दैट मीन्स मेटामॉर्फ का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। तो ये रॉक जो है बेसिकली आप प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बनती है, सेडिमेंट्री रॉक से या इधर इग्नियस रॉक से, और ये जो है क्या होता है उसमें उनका फिजिकल फॉर्म जो है इन रॉक्स का चेंज हो जाता है, मेबी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर और बिकॉज ऑफ प्रेशर, ठीक है जी। सो जब ये बेसिकली टेम्परेचर के इफेक्ट में होता है तो इसे हम लोग कॉन्टैक्ट या थर्मोमेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं, जब ये प्रेशर के अंडर होता है तो इसे हम लोग डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं, ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बहुत सारे एग्जांपल, अगर हम सैंड या क्ले का एग्जांपल लें तो सैंड जो है वो बनाती है स्लेट बनाती है या शिस्ट बनाती है अंडर टेम्परेचर या प्रेशर। सिमिलरली सैंडस्टोन जो है वो क्वार्ट्जाइट बन जाता है, ग्रेनाइट जो है वो नीस बन जाता है, कोल जो है वो डायमंड या ग्रेफाइट बन जाता है, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल बन जाता है। ऑल ऑफ देम examples of how sedimentary या igneous rocks कैसे जो है metamorphic rocks में change जाती हैं under key area जो है कि जो चीज़ होती है that is pressure and temperature under influence, जिसके इन्फ्लुएंस में सेडिमेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो बनती हैं, ठीक है जी। सो दिस इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब गाइज इसका इफ़ आई हैव टू लाइक टॉक अबाउट द रॉक्स, ये रॉक्स जो है कंटिन्यूसली अर्थ क्रस्ट में जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म लेती रहती है, इसको हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगी जब वो जमीन के नीचे चल जाएंगी, अंडर हीट एंड प्रेशर जो है दे विल बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे हमने देखा कोल जो है वो डायमंड बन जाता है। सिमिलरली जो सेडिमेंट्री रॉक्स जब वो सबडक्ट कर जाती है, प्लेट्स के नीचे चल जाती है, एस्थेनोस्फीयर में पहुंच जाती है, तो वहां पे जो है मेल्ट होकर वो इग्नियस रॉक्स बन जाती है। सिमिलरली इग्नियस रॉक जब सरफेस पे आती है और उनके ऊपर एजेंट्स ऑफ इरोजन लगते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकती हैं, एंड सो ऑन हम लोग देखते हैं कंटिन्यूसली एक रॉक जो है वो दूसरी रॉक के अंदर कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन इन अवर नेचर।
ठीक है जी। देन एक इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में अभी यहाँ पे बात कर रहा था, स्पेशली जब मैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात कर रहा था, वो है डेन्यूडेशन, ठीक है जी। सो बेसिकली ये डेन्यूडेशन का प्रोसेस क्या होता है? नाउ डेन्यूडेशन इज बेसिकली वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस, ठीक है जी। देखो हमारी धरती जो है, हमारे अर्थ जो है, वो दो फोर्सेज का इंटरप्ले यहाँ पे देखती है। एक जो है जमीन के नीचे से आता है, सर्फेस के नीचे से, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेज। ये एंडोजेनेटिक फोर्सेज क्या करती है? ये जमीन की सिमिट्री को खराब कर सकते हैं, कि सिमिट्री उसको खराब करने की कोशिश करती है, माउंटेन्स बनाती है, प्लेटिस प्लेन्स बना देती है, एंड वो जो फोर्स है वो सरफेस पे या सरफेस के ऊपर लग रही है, इसको हम लोग जो है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, जो कि इस एसिमेट्रिकल सिस्टम को, एक एसिमेट्री को जो है रिड्यूस करती है, वियर अवे करके उसको जो है सिमिट्री बनाने की कोशिश करती है, ठीक है जी। बड़ी बड़ी वैलीज को भर दिया जाता है, बड़े बड़े पहाड़ जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, ठीक है जी। सो डेन्यूडेशन इज द एक्सोजेनेटिक फोर्स एट वर्क, ठीक है। इट इज नथिंग बट द वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस। और जैसे हम देखते हैं कि चट्टानों का टूट के बिखर जाना, या फिर नदी का जो है चट्टानों को जो है धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, उनको जो है फाइन रॉक्स में बदल देना, ऑल ऑफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डेन्यूडेशन, ठीक है जी। सो तीन प्रकार से हम लोग डेन्यूडेशन देखते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज वेदरिंग। वेदरिंग बेसिकली इज ब्रेक डाउन और फेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स इन सिटू, वहीं पे जो है पत्थर का टूट के बिखर जाना, इसे हम लोग वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है जी। एंड देन सेकंड इज इरोजन। इरोजन में क्या होता है, जनरली एजेंट्स ऑफ इरोजन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रिवर वाटर, या फिर आपका वेव एक्शन है, या फिर आपका आइस है, मूविंग आइस है, ग्लेशियर्स है, या आपका जो है विंड है, ये सब जो है एजेंट्स ऑफ इरोजन काम करते हैं। एंड फाइनली इज मास मूवमेंट्स, बेसिकली ग्रेविटी जो है ये भी वेयर डाउन करने का काम करती है, जनरली आपको हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में देखने को मिलती है, ठीक है जी। सो वेदरिंग का तीन बेसिकली प्रकार है, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये तीन आपको देखने को मिलते हैं। एजेंट्स ऑफ इरोजन जैसे मैंने बताया वाटर, विंड, वाटर, आइस है। और मास मूवमेंट्स में आपको जो है स्लो एंड फास्ट मूवमेंट्स भी देखने को मिलती है, वेट और ड्राई मूवमेंट्स भी देखने को मिलती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लेटर, ठीक है जी। लेट अस टॉक अबाउट वेदरिंग। सो वेदरिंग बेसिकली मैंने आपको बताया इट इज इन सिटू ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है, जिसे हम वेदरिंग बोलते हैं। तीन प्रकार की होती है, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मैकेनिकल वेदरिंग में जो है कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है, जनरली जो है रॉक सिंपली टूट के बिखर जाती हैं, या जो है ये बेसिकली इन सिटू जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉस्ट एक्शन, थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन या एक्सफोलिएशन। फ्रॉस्ट एक्शन देखो क्या होता है कि भाई गर्म इलाकों में बारिशें पड़ती हैं, बारिशें पड़ने के कारण रॉक्स के अंदर पानी चला जाता है, और पानी जो है जब रात को ठंड पड़ती है तो क्या होता है ये जो है एक्सपैंड करता है, जिसके कारण चट्टाने टूट जाती हैं, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, गर्मी, दिन में बहुत गर्मी है तो रॉक्स एक्सपैंड करेगी, रात को ठंड है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है चट्टाने टूट जाती हैं, ठीक है जी। एक्सफोलिएशन, ऊपर की जो लेयर है वो वीक होने के कारण उसको जो है छिलकों में या प्लेट्स में इस तरह छोटे छोटे से जो है पीसेस में टूट जाना, दिस इज कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन, ठीक है। सिमिलरली केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। केमिकल वेदरिंग में बेसिकली केमिकल अल्ट्रेशन आपको देखने में मिलती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे कि यू विल फाइंड इन सोल्यूशन, कास्ट टोपोग्राफी में आपको देखने में मिलता है, जहाँ पे चूना पत्थर की मिट्टी होती है, चट्टाने होती है, वहाँ पे बारिश के कारण चूना पत्थर इसके अंदर घुल जाता है और यहाँ पे जो है क्या होता है वेदरिंग हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीडेशन हम लोग देखा है कि जो आयरन है वो क्या कर जाता है, हवा में ऑक्सीडाइज कर जाता है, जिसके कारण बेसिकली इसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या होता है, इट ऑल्सो लीड्स टू वेदरिंग, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रेशन होता है, कार्बोनेशन होता है, एंड फाइनली जो होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, ठीक है जी। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज बेसिकली कि किस तरह से ऑर्गेनिक लाइफ जो है वो रॉक्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे चट्टानों में पौधों का पनप जाना या मॉसिन लिजेंस का पनप जाना, जिनके कारण ऑर्गेनिक एसिड्स उनकी जड़ें जो है रॉक को ब्रेक डाउन कर देती है, न्यूट्रिएंट्स खींचती हैं, ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू दी वेदरिंग और दी ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग। सिमिलरली इरोजन भी जो है हमें बहुत सारे प्रकार का देखने में मिलता है, या बहुत सारे एजेंट्स के कारण देखने में मिलता है। विंड्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वेव्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, इस तरह का हमको देखने में मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो विंड्स के कारण इस तरह के आपको इरोजनल पैटर्न देखने में मिलेंगे, दिस इज लाइक अ नेचुरल आर्क बना हुआ है, ठीक है जी। सिमिलरली ग्लेशियर्स के कारण आपको जो है इस तरह से इरोजनल पैटर्न देखने में मिलेंगे, या फिर दीज आर बेसिकली ग्लेशियल मोरेन्स इन अल्बर्टा। सो इस तरह के जो है आपको वैलीज देखने में मिलती हैं, इस तरह से बहुत सारे पत्थर कंकड़ लेके आते हैं ग्लेशियर्स। सिमिलरली वेव जो है इस तरह से देखो वेव कट प्लेटफॉर्म बना रही हैं, या स्ट्रीम जो है वो क्या करती हैं इस तरह से नदियां जो है चट्टानों को काटती हुई ग्लेशियर जो गॉर्जेस हैं या कैनियंस वो बना देती है, ठीक है। एग्जाम्पल इज ग्रैंड कैनियन, है ना। तो ये जो है दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इरोजन।
एंड सिमिलरली आपको जो है यहाँ पे देखने में मिलती है मास मूवमेंट्स. मास मूवमेंट जर्नी जैसे मैंने आपको बताया कहाँ पे होती है, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में, या फिर आपको ऑल्टीट्यूड के कारण देखने में मिलती है, जिसमें जो है ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, रॉक्स जो है वो वेदर अवे कर जाती हैं. ठीक है जी, जर्नी चट्टानें खिसक जाना, या फिर जो है धीरे धीरे मिट्टी का खिसक जाना, या धीरे धीरे रॉक्स का जो है टूट के नीचे गिर जाना, पहाड़ों का खिसक जाना, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इट. ठीक है, हम लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं, एवलांचेस की बात करते हैं, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, सॉइल क्रीप, ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल्स. ठीक है, देखो दे कैन बी स्लो, दे कैन बी फास्ट. तो आप देख सकते हो स्लो से फास्ट की तरफ भी जा सकते हैं, और जो ड्राई है ड्राई से बेसिकली वेट की तरफ भी जा सकते हैं. तो बड़ी सारी तरह की मूवमेंट्स होती है. जैसे अगर हम सॉइल क्रीप की बात करें तो क्या होती है, ये कंपैरेटिवली ड्राई मूवमेंट होती है. इसमें मिट्टी धीरे धीरे जो है क्या है पहाड़ से नीचे उखी सकती है. आपने ये एग्जाम्पल बड़े देखे होंगे, जो बाड़े लगे होते हैं जनरली पहाड़ों पर, वो धीरे धीरे जो है टिल्ट हो जाते हैं, या फिर पोल्स जो होते हैं लाइटिंग पोल्स वो टिल्ट हो जाते हैं. ठीक है जी, क्यों? बिकॉज धीरे धीरे मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ को खिसक रही होती है. सिमिलरली सॉलिफ्लक्शन में क्या होता है, यही मिट्टी खिसकती है, बट इसके साथ थोड़ा बहुत जो है आपको पानी भी मिक्स होता है, और इसके कारण क्या होता है, इस तरह से पैचेस में क्या होता है, पूरा पूरा जो मिट्टी का पूरा पैच है वो जो है क्या कर जाता है, खिसक जाता है. ठीक है कि नहीं? सिमिलरली देर आर कंपेरेटिवली फास्ट जो है फास्ट आपकी वो भी देखने मिलती है, फास्ट मूवमेंट्स भी देखने में मिलती हैं. दे आर फॉर इंस्टेंस आपको देखने में मिलेगी अर्थ फ्लो. ठीक है, बारिशों के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पहाड़ों से मिट्टी पानी के साथ मिक्स होकर नीचे आ जाती है, दिस इज कॉल्ड एज अर्थ फ्लो, या मड फ्लो भी बोल देते हैं इसको. देन इसके बाद हम लोग देखते हैं एवलांचेस, जैसे कि रॉक स्लाइड, डेब्री स्लाइड, हम लोगों ने देखा जैसे पीछे किन्नौर में भी हुई थी, तो रॉक स्लाइड, इस तरह की डेब्री स्लाइड्स हम लोगों को देखने को मिलती है. ठीक है जी, एंड फाइनली इसका जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर कॉल्ड एज लैंड स्लाइड. लैंड स्लाइड इज कंपेरेटिवली एवलांचेस के साथ में ही पे कहीं पे देखने में मिलेगी, इन विच ह्यूज कॉलम ऑफ रॉक्स एंड जो ह्यूज कॉलम ऑफ अ माउंटेन इट विल कम डाउन एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द लोकल सॉइल गेटिंग मिक्सड विद वाटर. ठीक है, जिसके कारण क्या होता है पूरा पूरा पहाड़ नीचे को दरक जाता है. तो दैट इज कॉल्ड एज लैंडस्लाइड्स. ठीक है जी, सो ये बेसिकली जो है आपका डेन्यूडेशन के प्रोसेस होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, और ये सारे प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. तो आई होप आप ये वाला एरिया को रिवाइज कर पाए हो. एंड सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक द लैंडफॉर्म्स वाला टॉपिक जो है वो आई विल गोइंग टू टेक द नेक्स्ट सेशन. सो गाइज, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में. सो कुछ लैंडफॉर्म्स हम लोग देखते हैं, बहुत सारे तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं. अगेन कुछ जो आपके स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म्स होंगे, जैसे माउंटेन प्लेट्यूज, प्लेन्स होंगे. सिमिलरली देर आर लॉट ऑफ लैंडफॉर्म्स विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ द एजेंट्स ऑफ इरोजन. ठीक है जी, सो लैंडफॉर्म बेसिकली होती क्या है, इसको हम लोग हिंदी में लाइक बोल सकते हैं भू आकृति. सो भू आकृति इज बेसिकली द लोकल रॉक स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, या लोकल स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा. ये लैंडफॉर्म जो है इट कैन बी एज स्मॉल एज अ सिंक होल एंड कैन बी एज बिग एज अ माउंटेन रेंज. ये सारी की सारी क्या होते हैं, दे कम अंडर द कैटेगराइजेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स. ठीक है, नाउ लैंडफॉर्म जो है यहाँ पे तीन ब्रॉड प्रकार के आपको देखने मिलते हैं. माउंटेन्स, हमारे दुनिया में माउंटेन्स देखने मिलते हैं, प्लेट्यूज देखने मिलते हैं, प्लेन्स देखने को मिलते हैं. सो माउंटेन्स जो है जनरली अराउंड 26% ऑफ द टोटल एरिया देखने मिलते हैं. माउंटेन्स बेसिकली आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप कोनिकल हिल्स एंड कोनिकल हिल्स देखने मिलती हैं एंड स्टीप स्लोप दोनों साइड में देखने को मिलती हैं. जनरली कंपैरेटिवली हाई पॉइंट और लो पॉइंट के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है. हाईएस्ट पॉइंट कैन लाइक माउंट एवरेस्ट की बात करें तो 8000 से ऊपर चला जाता है. सो प्लेट्यूज जो है दे आर कंपैरेटिवली एलिवेटेड लैंड होते हैं, टेबुलर लैंड होते हैं, जिसमें कि एटलीस्ट एक साइड या दोनों साइड में जो है आपको स्टीप स्लोप देखने को मिलेगी, बट टॉप जो है वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, फ्लैटर देखने को मिलेंगे और कंपैरेटिवली बड़े देखने को मिलते हैं. ठीक है जी, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में हम लोग डिस्टेंस जो है वो मान के चलते, लाइक एलिवेशन मान के चलते, हार्डली 500 मीटर्स की एलिवेशन आती है. बट अगेन दिस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में हमें प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे तिब्बतन प्लेट्यू 5000 मीटर की हाइट में देखने को मिलता है, मंगोलियन प्लेट्यू है, ऑल ऑफ देम आर लाइक कंपैरेटिवली हायर प्लेट्यूज. ठीक है जी, तो ये दोनों साइड से भी ऐसे आपको टेबल के फॉर्म में देखने को मिल सकता है, या एक साइड में हो सकता है और एक साइड में आपको इस तरह से स्लोप देखने को मिल सकती है. सो जैसे हम लोग डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू क्या है, एक साइड में जो आपको स्टीप क्लिफ्स देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट्स वाली साइड में, और ईस्टर्न वाली साइड में आपको क्या है स्लोप्स देखने को मिलती है. ठीक है जी, एंड फाइनली प्लेन्स होते हैं. प्लेन्स आर रिलेटिवली लो लाइंग एरियाज, फ्लैटर एरियाज होते हैं, जिसका हायर पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं होता है आपको, एंड दे आर कंपैरेटिवली स्मूथ सिमेट्रिकल टाइप के एरियाज, दे आर कॉल्ड एज
प्लेन्स, ठीक है। सो इन तीनों जो है, ये तीन जो है अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं। नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है जी, सो माउंटेन्स भी अलग अलग टाइप की होती है, प्लेटूज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, प्लेन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, फॉर इंस्टेंस माउंटेन्स, माउंटेन्स को हम लोग ब्रॉडली तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड डाइसेक्टेड माउंटेन्स। स्ट्रक्चर माउंटेन्स वो होती है जहाँ पर बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं बनती है जो कि एंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण बनी होती है, आइडर बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन या बिकॉज ऑफ द टेंशनल फोर्सेज। तो यहाँ पे जो माउंटेन्स बनती हैं, दीज आर कॉल्ड एज फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स जो हैं, जैसे कि हम लोग बात करें हिमालयस की, रॉकीज की, एप्स की, दे आर ऑल फोल्ड माउंटेन्स, बट ये लेटेस्ट स्टेज में बनी हुई थी, हम लोग न्यू फोल्ड माउंटेन्स बोल देते हैं। एंड देर आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑल्सो, जैसे कि एपलेशियंस हैं, अराबलीज हैं, यूराल्स हैं, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। बट ये सारी की सारी माउंटेन्स क्या है, दे आर कॉल्ड एज फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है जी, फॉर्म बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन, दो जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर टकराती हैं, तब जो आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलती है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स में जनरली जो है कहाँ पे देखने को मिलती है, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डाइवर्जेंस प्रोसेसेस, ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ब्लॉक्स जो है बड़े बड़े खिसकते हैं, तो क्या होता है कुछ ब्लॉक्स ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण आपको क्या देखने को मिलते हैं, इस तरह के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अपर पोर्शन को हम लोग ग्रेबन बोलते हैं, और नीचे जो वैली एरिया है इसको हम लोग नीचे वैली एरिया को हम लोग ग्रेबन बोलते हैं, और अपर पोर्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोल देते हैं, या नीचे वैली एरिया को हम लोग रिफ्ट वैली बोल देते हैं, होस्ट जो है वो आपको ब्लॉक बोल देते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली ब्लॉक माउंटेन्स, जैसे कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में जो माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है जी। वेन वोल्केनिक माउंटेन्स है, वोल्केनिक माउंटेन्स का बेस्ट एग्जाम्पल इज माउंटेन्स फॉर्म बिकॉज ऑफ द लावा एक्युमुलेशन। सो जितने भी वोल्केनोज है, दे आर नथिंग बट वोल्केनिक माउंटेन्स। एग्जाम्पल इज मोनाकिया, ठीक है जी, मोनालुआ है, मोनाकिया है, हवाईयन वोल्केनोज ले लो, कोई भी तरह के वोल्केनोज ले लो, देर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है जी। एंड लास्ट इज डाइसेक्टेड रिलिक्ट माउंटेन्स, दैट मीन्स ये जो है बहुत पुराने टाइम की बनी माउंटेन्स है, अब धीरे धीरे क्या कर रही है, इरोड होके छोटी छोटी हिल्स बन के रह गई हैं, ठीक है जी। जैसे कि स्कॉटिश हाईलैंड्स हैं, या नीलगिरीज हैं आपकी, ये सारी की सारी जो है क्या है, देर या अराबलीज हैं इवन, ठीक है, अराबलीज को हम ओल्ड फोल्ड में भी डाल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो पुट इट इन डाइसेक्टेड माउंटेन्स, सो दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसेक्टेड या रिलिक्ट माउंटेन्स, ओके। प्लेट्यूज की बात करें, चार ब्रॉड टाइप के प्लेट्यूज देखने में मिलते हैं, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है, कॉन्टिनेंटल पिडमॉन्ट प्लेट्यू है, लावा प्लेट्यूज है। सो इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज जो माउंटेन्स के बीच में आपको देखने में मिलेंगे, हाई प्लेट्यू जैसे कि बोलीवियन प्लेट्यू, तिब्बतीन प्लेट्यू है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज अगेन बिकॉज ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेज बने होते हैं, जैसे कि ब्राजीलियन प्लेट्यू है। पिडमॉन्ट प्लेट्यू जनरली जो है माउंटेन के फुट में आपको देखने को मिलेगा, और जनरली ये डेन्यूडेशन से बने होते हैं, जैसे कि मालवा प्लेट्यू है आपका, या फिर पैटागोनियन प्लेट्यू है। एंड लावा प्लेट्यूज जनरली फॉर्म बिकॉज ऑफ द लावा एक्युमुलेशन, जैसे कि हमारा अपना डेक्कन प्लेट्यू जो कि फिशर टाइप वोल्केनिक इरप्शन के कारण बना हुआ है, ठीक है कि नहीं। एंड फाइनली इज प्लेन्स, अगर मैं प्लेन्स की बात करूँ गाइस, तो प्लेन्स भी जो है हम लोग तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोशनल प्लेन्स एंड डेपोजिशनल प्लेन्स, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल प्लेन्स वो होते हैं अगेन जैसे इंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण बनते हैं, आइदर पानी से इमर्ज कर जाते हैं तब प्लेन्स बन जाते हैं, या फिर जो है नीचे बैठ जाते हैं तब जो है आपको प्लेन्स बनते दिखते हैं, ठीक है। हाइयर जो एरियाज होंगे, या हाइयर जो आपके ऑल्टीट्यूड के या फिर लेवल्स के रीजन होंगे, वो नीचे को बैठ जाएंगे। तो इमर्जेंस सबमर्जेंस दोनों जो है बिकॉज ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है जी। एग्जांपल जैसे कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए हैं, या ऑस्ट्रेलिया हैं, या इवन हम लोगों का जो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट है, दे आर प्लेन्स ऑफ इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस। देन इरोजनल प्लेन्स आर प्लेन्स फॉर्म बिकॉज ऑफ द इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ द एजेंट्स ऑफ इरोजन, ठीक है। जब भी नदी चलती है तो इरोजन भी करेगी, डेपोजिशन भी करेगी, ठीक है जी। सो इरोजनल प्लेन्स वो प्लेन्स है जब इरोजन के कारण बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये आइस इरोडेड प्लेन्स देख सकते हो ऑफ साइबेरिया एंड नॉर्थ कैनेडा, यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स चलते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे इस तरह के प्लेन्स बन जाते हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इरोजनल प्लेन्स, ठीक है जी। डेपोजिशनल प्लेन्स जैसे हमने बताया, नदी जो है डिपॉजिट करती है और बड़े बड़े प्लेन्स बना देती है, जैसे कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ योर डेपोजिशनल प्लेन्स, ठीक है जी। सो दीज आर बेसिकली माउंटेन प्लेट्यूज एंड सो गाइस, इसके आगे इसके अलावा भी बहुत सारे जो है लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कि अलग अलग एजेंट्स ऑफ इरोजन के कारण या किसी पर्टिकुलर लोकल टोपोग्राफी में बनते हैं। सो बट दैट वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड उसमें जो हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे गाइस। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।